माय चैनल और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल क्यों है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको मेरी एक छोटी सी किचन की छोटी सी झलक। ये मेरी व्हाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन की रेक्टेंगुलर किचन है जिसमें मैंने कंट्रास्ट देने के लिए रेड कलर की एक्सेसरीज लगाई है। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, गैस स्टोव या बर्नर। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अपना एलिका का 4-स्टोव बर्नर। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है और इसी बर्नर के ऊपर है हमारी चिमनी। तो ये है मेरी एलिका की चिमनी। ये चिमनी इंडियन कुकिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, नहीं तो जो सारा का सारा ऑयल है वो हमारे वुडन कैबिनेट्स में चिपक जाता है। ये है वॉशिंग एरिया डबल सिंक के साथ, और इसी के साथ मैंने रखी हुई है एक प्लास्टिक बास्केट जिसमें हम सभी बर्तनों को धोकर रख देते हैं। और यहाँ रखा है मैंने एक कपड़ा कि जब सारे बर्तन मेरे यहाँ सूख जाते हैं तो मैं इस कपड़े से पोंछ कर उन्हें अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो जब सिंक के राइट साइड पे है मेरे कैबिनेट, इस पहले कैबिनेट में मैंने रखे हैं अपने सारे बर्तन जहाँ पे प्लेट्स, कटोरी, स्टील के ग्लास मैंने रखे हैं। और ठीक सिंक के नीचे है मेरा ये कैबिनेट। यहाँ पर मैं जो बर्तन धोने में सामान यूज होता है जैसे लिक्विड विम बार, चूना, पाउडर को रखती हूँ। और साथ में ही है डस्टबिन जिसको मैंने पॉलिथिन लगाकर रखा है, और साथ ही में है बास्केट जिसमें मैंने एक्स्ट्रा डिश वॉशर और पॉलिथिन रखे हैं। इस कैबिनेट में मैंने प्याज, लहसुन, आलू को रखा है जिन सब्जियों को हम अंधेरे में रखते हैं। यहीं पे रखा है तवा और इडली मेकर। ये है विंडो पैनल जिससे कि नेचुरल सनलाइट आती है। सिंक के पास है मेरा ये आरओ सिस्टम, क्योंकि आरओ का एक अटैचमेंट होता है जिससे कि वेस्ट वाटर जाता है, तो इसको हमेशा सिंक के पास ही रखें। तो ठीक गैस स्टोव के दोनों तरफ नीचे मैंने रखे हैं अपने रेगुलर बर्तन। अब मैं आपको इसकी पहली शेल्फ खोल के दिखाती हूँ। इस पहली ड्रॉअर में मैंने रखा है स्टील की अलग अलग तरीके की करछियों को, और इसी के साथ है एग बीटर, ऑयल ब्रश और साथ ही में लेमन स्क्वीजर, ग्रेटर जैसी चीजों को भी रखा है। उसी के वर्टिकल नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखे हैं रोज यूज होने वाले पतीलों और कढ़ाई को। इनको मैंने एक के ऊपर एक लगा के रखा है जिससे कि ये ज्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। और थर्ड कैबिनेट में मैंने रखे हैं प्लास्टिक की बड़ी बड़ी छन्नियां जिसे मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट धोने में इस्तेमाल करती हूँ, और ये है कुछ स्टील के डब्बे। और इसी के ठीक ऑपोजिट है दूसरा सेक्शन जिसे मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पहला सेक्शन। मैंने जैसे कि आपको बताया था आप इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे साइज वाइज, तो ये जगह भी नहीं लेंगे और अच्छे से दिख भी जाएंगे और मिल भी जाएंगे। यहाँ पर मैंने सभी कांच के सर्विंग बाउल छोटे बड़ों को रखा है। ठीक इसी के नीचे दूसरा ड्रॉअर है जिसमें मैंने प्लास्टिक के सभी लंच बॉक्सेस, टम्बलर, ग्लासेस को रखा है। मेरी बेटी अनन्या के लंच बॉक्स भी यहाँ रखे हैं। और इस थर्ड सेक्शन में सभी साइज के कुकर, कुकर के ढक्कन और कढ़ाई को रखा है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि स्टोरेज कैसे यूज की जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी यू शेप्ड किचन है और ये थोड़ी सी छोटी किचन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे इसमें स्टोरेज स्पेस निकाला। ये ड्रॉअर है, इसे बाहर की तरफ खोलें, इसे ऐसे शिफ्ट करें। इन तीनों ड्रॉअरों में मैंने बहुत कम यूज होने वाला सामान रखा है जैसे कि माइक्रोवेव की जाली, अनंत्या का कुछ प्लास्टिक का सामान और ये ब्लेंडर का डब्बा। तो इस तरीके से आप इसे बंद कर लेंगे एक एक करके। और इसी अटैचमेंट के साथ रखा हुआ है ये ब्लेंडर, टोस्टर और जूसर, और इसके नीचे रखा हुआ है सैंडविच मेकर। और ठीक चिमनी के साथ बने हुए हैं चार हॉरिजॉन्टल कैबिनेट्स। अब मैं आपको एक एक करके इन कैबिनेट्स को दिखाती हूँ इनके अंदर का राज। तो यहाँ पर मैंने रखा है रोज यूज होने वाले कप और ग्लासेस, और हर ड्रॉर के नीचे मैंने बिछाई है एक प्लास्टिक की शीट जिससे कि अगर आप कभी बर्तनों को गीला भी रख दें तो आपके ये वुडन कैबिनेट्स खराब नहीं होंगे। और ठीक इसी के ऊपर रखे हैं कुछ और सर्विंग बाउल्स और कॉफी मग्स। तो मैं यहाँ हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तरफ का कैबिनेट। यहाँ पे भी हमने ग्लास रखा है और उसको खोल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है मेरे मसालों का खजाना जैसे कि कलौंजी, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। और ये है एक स्पेशल तरीके का नमक जो कि हम बहुत सैलेड और चाट मसाला में यूज करते हैं। और ठीक इसी के ऊपर है मेरे यहाँ पे पर्पल और ग्रीन के सर्विंग बाउल्स, साथ ही में एक ब्लू प्लास्टिक का कंटेनर और एक स्टील का चक।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्पेशल टॉल यूनिट। ये टॉल यूनिट मैंने बहुत दिल से बहुत जिद करके बनवाई थी, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरी किचन छोटी है और मुझे इसमें स्टोरेज चाहिए था। अब मैं आपको इसकी खास बात दिखाती हूँ। तो इस टॉल यूनिट को टोटल 12 सेक्शन में डिवाइड किया गया। 6 बड़े सेक्शन है सामने की तरफ और 6 छोटे सेक्शन है दरवाजे पे। तो पहले मैं आपको इसकी डोर वाली साइड दिखाती हूँ। तो डोर में इसमें 6 कैबिनेट्स हैं जैसे मैंने बताया था। तो पहले कैबिनेट्स में मैंने यहाँ पे लिखी है बेवरेजेस लाइक ग्रीन टी, नॉर्मल स्ट्रॉबेरी टी, कॉफी। सेकंड में मैंने रखा है यहाँ पे हनी, ये सब ऑर्गेनिक रोज टी, कार्डमम, इलायची। यहाँ पे ये मेरे ड्राई स्नैक्स, जब भी मैं इवनिंग में आती हूँ तो जनरली मैं चने, आंवला या ये कुछ वॉलनट्स खाना पसंद करती हूँ। और इसी के नीचे है मेरे चवन ब्रश, न्यूटेला जो कि मेरी बेटी के फेवरेट है, और इसी के साथ रखा है जैम्स, फ्रूटस। एंड के शेल्फ में है यहाँ मेरा एप्रन और यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं जिसमें मैंने किचन के बिल्स रखे हैं। और ये सारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए, तो आप इसको नॉर्मल किसी भी सूखे कपड़े से साफ कर दें तो ये अच्छे से साफ हो जाते हैं। सबसे पहले यूनिट में मैंने रखा है ये बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसमें मैंने पैनकेक मिक्सचर, सूजी, मैदा, जो भी डेली मोरहा की चीजें हैं जो मैंने बॉक्स में नहीं डाली है और एक्स्ट्रा उसको इसमें स्टोर किया है। और इसी के नीचे है मेरी बेटी माय मिस आनंद के फेवरेट स्नैक्स, उसको मखाने खाना बहुत पसंद है तो इसमें मैं मखानों को रोस्ट करके रख देती हूँ। और ये सारे बिस्किट्स इसमें रखे हुए हैं। और इसी के नीचे है मेरे और स्टोरेज। हाँ बेटा, मुझे थोड़ी सी चोको पाई दे दो, चोको पाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनके फेवरेट स्नैक्स इसमें रखे हुए हैं। तो इसी के नीचे है ये टपरवेयर के डब्बे। इन टपरवेयर के डब्बों की खास बात ये है कि अगर ये छोटा डब्बा है तो ये बड़े के नीचे भी आ जाता है, और इनकी ढक्कन ऐसे डिजाइन होने के कारण बड़े के ऊपर छोटा भी आ सकता है और ये बहुत ही कम स्टोरेज लेते हैं। तो इन डब्बों में मैंने बादाम, बूंदी, साबुदाना और भी ऐसी चीजों को स्टोर किया है। और फिर यही मेरे डेली स्टोरेज के सामान है। यहाँ पे मैंने इसको दलिया को रोस्ट करके रखा हुआ है जिससे कि मैं इसको जब भी दलिया बनाना हो तो फटाफट बन जाए। ये थोड़े से चने जो पैक करके मैं ऑफिस में ले जाती हूँ। और ये है मेरे टूथपिक। और बाकी के दो शेल्फ्स में भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ तो था मेरा बहुत ही स्पेशल स्टोरेज का पिटारा। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ जहाँ पे कि मैं अपनी दाल और बाकी सारी स्टोरेज को स्टोर करती हूँ। तो किचन की दूसरी तरफ भी है मेरे 6 कैबिनेट्स, जिसमें से वर्टिकल कैबिनेट में मैंने आपको बताया था कि बर्तन रखे हैं, और ये 4 हॉरिजॉन्टल कैबिनेट्स में मैं स्टोरेज के लिए यूज करती हूँ। तो इन सारे डब्बों में मैंने दाल, नमक, चौकोस और भी ऐसी चीजों को रखा है। स्टोरेज के लिए आप इसी तरीके के रेक्टेंगुलर डब्बे खरीदे, ये सभी ब्रांड के मार्केट में इजिली अवेलेबल है। अगर आप गोल डब्बे लेते हैं तो आप उन गोल डब्बों को इन रेक्टेंगुलर डब्बों की तरह एक के ऊपर एक स्टैक भी नहीं कर सकते हैं। ये डब्बे बहुत कम जगह लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर वाले सेक्शन को मैंने ठीक इसी सेक्शन की तरह बाकी सभी दालों को स्टोर करने के लिए यूज किया है। ठीक के साथ आते हैं तीसरा ऊपर वाले सेक्शन में। मसालों को मैंने इस डब्बे में स्टोर किया है। तो जितने भी मेरे ये मसाले हैं, कैच के राजमा मसाला, चना मसाला, इन सबको मैंने इसमें स्टोर किया है। बाकी बचे डब्बों में मैंने ड्राई स्नैक्स जैसे मैगी, मटरी और बच्चों की टॉफी रखी है। तो इन टॉफीज को मैंने ऊपर रखा है जिससे कि वो चढ़ ना पाए और वो बार बार ना खाए और ये मेरी रीच पे रहे उसकी नहीं। तो एंड के फोर्थ सेक्शन में है मेरे स्टोरेज। ये है यहाँ पे राउंड स्टोरेज। इनको लेने के बाद ही मैंने रियलाइज किया कि जो राउंड होता है वो एक तो जगह ज्यादा लेता है और उसमें आप कम सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टोर किए हैं कुछ चावल, और इन चावल के स्टोरेज में मैंने रखा है कपड़े में डाल के ये कीड़े मारने की गोलियां। इनको आप ऐसे ही रखें जिससे कि जब भी आपको चावल निकालने हो तो इन गोलियों को आराम से अलग कर सकते हैं। और इसी के नीचे मैंने यहाँ स्टोर किया है चीनी को, और इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बिस्किट्स, नमकीन, और साथ नीचे है पास्ता, मैक्रोनी, मैगी के डब्बे। और साथ ही में जो थोड़ी सी जगह बची है यहाँ पे अनाया की बॉटल्स रखा है, अनाया के सिपर्स। तो अब हम आते हैं अपने टॉल सेक्शन में।
तो यहाँ पर मेरे हैं सभी तरीके के ऑयल्स। मैं कुकिंग में सभी तरीके के ऑयल्स यूज करती हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं है। यहाँ पे मेरा फॉर्च्यून का सोया ऑयल है, यहाँ पे मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, यहाँ है ये मस्टर्ड ऑयल। ठीक इसी के ऊपर येलो और रेड बॉक्सेस में मैंने रखे हैं चीनी और चाय पत्ती, साथ ही में है कुछ अचार और एक्स्ट्रा जूसेस। और यहाँ पे मेरा रखा है रोटी से रिलेटेड सामान, ये मेरी परात, सूखा ड्राई बॉक्स, बेलन रखा रहता है। और ठीक इसी के नीचे मेरा है आटे का स्टोरेज का डब्बा, और इसी के साथ है मेरा चॉपर बोर्ड। ये जो भी बड़ा सामान होता है वो आता है, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। तो सभी आप देखेंगे कि मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो ड्राई हो या वो स्वेट हो, उनको कैबिनेट्स के अंदर ही रखा है। और आप अपने आटे की कैबिनेट्स के अंदर कोई भी गीली वाली चीजें को ना रखें, जिससे कि इंसेक्ट्स या कॉकरोच आने का डर हो। और इसी के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैबिनेट, जिसमें मैंने रखे हैं सिल्वर फॉइल, प्लास्टिक रैप, और ये मसालदानी जिसमें मैंने डेली यूज होने वाले मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, जो कि रोज किचन में एक से दो बार यूज होते हैं, उसे रखा है। साथ ही में रखे हैं मैंने यहाँ पे कुछ किचन क्लॉथ और डस्टर, जो कि रोज किचन में यूज होते हैं। और इसी के साथ है मेरी एक क्यूट सी डायरी, अगर आपका कोई राशन का सामान खत्म हो जाए तो आप इसमें लिख के उसे नोट कर सकते हैं, और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम राशन लेने जाए तो आप इसको स्टिकॉन्स को निकालें या मोबाइल से इसकी फोटो ले लें, और आपको याद रहे कि आपके घर में क्या खत्म हो गया और क्या लाना है। ये माइक्रोवेव मेरा लगभग 12 साल पुराना माइक्रोवेव है, जो कि अभी तक चल रहा है। और इस माइक्रोवेव में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई हुई हैं अपने कुकिंग में। और इसी के साथ है मेरी एक मिक्सी है, और आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है, बट चलती अभी भी है। बहुत सी कुकिंग वीडियोस में मुझे मुश्किल होता है इसमें पीसना, तो अब देखो कब तक मैं ये नई मिक्सी ले पाती हूँ, ये एक सवाल है, जवाब मिलेगा। और यहाँ गैस के कॉर्नर में मैंने रखा है एक कैसेरोल, जिसमें हम गरम गरम रोटी रखते हैं, साथ ही में रखी है एक कूटनी, जिसमें कि अभी अदरक रखा है, जो कि चाय में यूज होता है। इसी के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टैंड है, जिसमें कि दो छोटे छोटे जार हैं, जिसमें मैंने ऑयल और यहाँ आप देख सकते हैं घी को रखा है। और साथ ही में एक स्टैंड जिसमें मैंने अपने सारे चम्मच, फोक, नाइफ और सिजर्स रखी हैं। आप इन्हें बहुत निकाल के अच्छे से धो भी सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। और ये सभी साइज के आते हैं, तो आपका किचन राउंड हो या थोड़ी सी जहाँ पे भी जगह हो, आप उस साइज का ये लेके लगा सकते हैं। तो मेरे फेवरेट डॉल यूनिट के साथ है ये फ्रिज, लगभग 13 से 14 साल पुराना फ्रिज है। इनफैक्ट ये मुझसे पुराना फ्रिज है मेरे हस्बैंड के लिए। तो अभी तक तो ये फ्रिज बहुत वफादार रहा है, बट देखते हैं कब तक ये वफा देता है, और मुझे लगता है कि अब ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमने इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस रखी है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ छोड़ी है, कि जब भी हम नया फ्रिज ले तो बड़ा ले। इसमें स्टोरेज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं स्टोरेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ। और अगर आप मेरे फ्रिज का भी टूर देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ ऊपर की सीलिंग लाइट्स, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है जब हम वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये स्कैटर्ड नहीं होती है, लाइट का इश्यू रहता है वीडियो बनाते समय। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपनी किचन को रेड कलर से एक्सेसराइज किया है, तो इस स्टैंड पे मैंने लगाए हैं कुछ मग्स, और यहाँ पे है ये कुछ आर्टिफिशियल फ्रूट्स, और साथ ही में है रेड कलर की बॉटल और रेड कलर का ग्लास। वैसे यहाँ पे एक दीवार और एक डोर होके ये एक क्लोज्ड किचन थी, लेकिन हमें क्लोज्ड किचन का कॉन्सेप्ट इतना पसंद नहीं आता है, तो हमने इसे एक जाली से सेपरेट किया है। तो ये किचन मेरा बहुत ही स्पेशल इसलिए भी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्लेस प्लस वर्क प्लेस दोनों है, और यहीं पे मैंने सारे वीडियो शूट किए हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये छोटा सा किचन टूर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि मेरे किचन की आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी। और अगर आपको इसी तरीके के घरेलू वीडियोस पसंद है तो मुझे ये भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।